वेलकम बैक टू माई चैनल रेखा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत मस्ती कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। और ये देखिए ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इन लोग के लिए छत पे व्यवस्था हुआ है। इन लोग के लिए एक छोटा सा इधर टीवी लग चुका है, देखिए अब पुराने जमाने का टीवी, क्योंकि नीचे जानते हैं बड़ा वाला टीवी खरीद क्या है ना, तो इस वहाँ पे बड़ा वाला टीवी सेट हो गया है और ये टीवी एक्स्ट्रा था, तो बच्चों के लिए ये छत पे एक रूम में लगा दिया गया है ताकि शादी में जितने भी छोटे छोटे बच्चे आएंगे सब यहाँ पे देखेंगे सब बैठ करके आराम से। नानी बुला रही है क्या? नानी इनको बुला रही है। मैं तो आती हूँ नीचे से, आप लोग मजे करिए। आप लोग मजे करिए। अरे ये हम लोग का बिस्तर है, रात को हम लोग यहीं पे सोए थे। आप ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मजेदार ब्लॉग बन आने वाला है। और आप लोग बस प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है या फिर आप लोग कैसा वीडियो देखना चाह रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। इस रूम में बहुत ही बड़े बड़े खिड़की हैं, लेकिन इधर से लाइट आ रहा है तो अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ से पूरा मतलब गांव दिखता है, देख सकते हैं आप लोग। बस जो पा रहा है तो नहीं पा रहा है। फिर उन्हें शहर के एक सुपरमार्केट तक भेजता था। एक दिन एक सुपरमार्केट का मालिक साकेत को फोन मिलाया। यू भाई, बहुत जरूरी कंप्लेंट दी है कि तुम्हारे दिए अंडों के सही अंडों में जल्दी नहीं है, वो प्लास्टिक के बड़ा है, अंडे कह रहे हैं। मैंने नकली प्लास्टिक चावल को तो देखा है, लेकिन कभी नकली प्लास्टिक अंडा कभी नहीं देखा। कोई नया किस्म का दूसरा लेने का तरीका? अभी देखिए सारा सब अभी सामान बिखरा हुआ है। वाह रे प्रियल, वाह क्या बात है। सुन लो मेरे भी, अरे नानी आ रही है, तुम लोग को बता जा सब चाहो तार फोटो डालो सनी। ए प्रियल, अरे राम क्या हुआ? ए तुम क्या कर रहे हो? हैं अरे भैया सब फोटो डालो को कहा था, इसलिए हम कर रहे हैं काम करने के लिए। अरे छिटा नानी किया था लो चावल फटका तर लो। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, मम्मी ने सब्जी छौंक दिया है और मैं यहाँ पे ठीक कर। मैं बस इसको देख ले रही हूँ कि कहीं जल ना जाए। अब से हमारे हर ब्लॉग में आप लोगों को सिर्फ गाना ही गाना सुनाई देगा, क्योंकि हमारे घर में हमेशा नाच गाना बजाना चलता ही रह रहा है आजकल। तो आप लोग को अच्छा लगे तो इंजॉय कीजिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। क्या हुआ? हाँ अभी कर देंगे हम। इन लोग को तो मस्ती का ठिकाना नहीं है। और बाकी बहुत सारे औरतें आई है लो अभी हमारे घर गाना गाने के लिए। अभी उन लोग के लिए चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे करके दे दिया है। मम्मी बैठ करके गाना गा रही है। तो बस एक काम में बहुत सारे लोग हैं, अभी हम लोग घर में करने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं। तो मम्मी उधर बैठी है तो अंदर मुझे देखना है, और मैं अगर वहाँ जाऊँ तो फिर इधर मम्मी को देखना होगा। तो अभी वहाँ पर मम्मी बैठ करके गाना गा रही है, मैं भी थोड़ा बहुत गाती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए मम्मी वहाँ पे गा रही है। तब तो मैं सोची कि चलो किचन में जो भी बाकी हुआ काम उसको मैं पूरा कर दूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत सारा आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मैं तो खैर कर ही रही हूँ, उतना ही आप लोग मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस आप लोग मस्ती करते रहिए, मैं हर एक अपडेट आप लोग को देती रहूँगी। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अभी मैं दिखाऊँगी बहुत ये लोग डांस वांस सब कुछ करते हैं, मैं अभी आप सबको भी दिखाऊँगी। सलोनी
देखो तो कल कौन सी हो जाए आज नहीं थे तो गाइस आप सब देख सकते हैं कितने धमाल मचा रहे हैं ये लोग। ऐसे ही रोज रात में गाना होता है, डांस वगैरह सब कुछ होता है। दो चार दिन बहुत ही कम समय बच गया है, दो चार दिन थोड़ा मौज मस्ती कर लिया जाए। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं वीडियो का यही समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।